हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर मिस रीता तोमर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम प्रोज। देखिए बच्चों, जैसे कि आपके इंग्लिश की बुक है, इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये तीन हिस्सों में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट है प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। देखिए प्रोज को आज मैं आपको जो है प्रोज के पार्ट में से जो पहला चैप्टर है इसको आज टीच करूँगी। तो टीच करने से पहले मैं आपको पहले प्रोज का मीनिंग थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी। देखिए बच्चों, अभी तक एट्थ क्लास में क्या था, आपकी एक ही इंग्लिश की बुक होती थी, उसी के अंदर पोएम्स भी आती थी और लेसन्स भी आते थे, कहानियाँ तक भी आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और जो पहला पार्ट है आपका जो प्रोज है, ये क्या है, इसका मीनिंग होता है गद्य। यानी कि इसमें क्या होगा, आपकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो जन साधारण की लैंग्वेज होती है, वो किसी भी भाषा से जुड़ी हुई, मान लीजिए अगर हिंदी से जुड़ी हुई है तो हिंदी बहुत इजी तरीके से लिखी हुई मिलेगी, आप बहुत आसानी से उसे पढ़ भी पाएंगे और उसका कहीं तक मीनिंग भी समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही थी, इंग्लिश की जो भी नियम है उसमें स्पष्ट तरीके से आपको इंग्लिश लिखी हुई पाएगी, आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसकी कहीं कुछ हद तक हिंदी भी समझ पाएंगे, इसी को हम गद्य कहते हैं। इसके ठीक विपरीत पद्य यानी पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री में एक सुर होता है, एक संगीत होता है, जिसको बहुत ध्यान रख के राइटर को लिखना होता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसे छंद आदि का भी ध्यान रखना होता है, जो अब आगे जाके आप समझेंगे कि क्या होते हैं छंद, क्या होते हैं, मतलब आप काव्य के सारे अंगों को जानेंगे क्या होते हैं, काव्य को ही पोएट्री बोलते हैं। ये अभी मुझे इतना क्लियर नहीं करना है, मुझे आपको बताना है प्रोज। तो प्रोज में ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक सिंपल लैंग्वेज होती है जिसको आप साधारणतः बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, कुछ हद तक उसकी मीनिंग को भी समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी पोएम का मीनिंग बता देती हूँ, जो जैक एंड जिल, इसके लास्ट के वर्ड को देखिए बस आप, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। तो इसमें क्या है, एक सुर है, जिल हिल क्राउन डाउन, ये आपस में सब एक दूसरे से तालमेल खाते हैं। और भी आपने शेर व शायरी वगैरह देखी होंगी, उनमें सब में जो सुर होता है वो पोएट्री का ही हिस्से में आते हैं वे सब, क्योंकि उनमें एक लय होती है। प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता, हम बहुत मतलब एक लेक्चर की तरह से बात आपको देखने को प्रोज में मिलती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप इस चैप्टर को देखिए, देखिए क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं इसकी भाषा को, आप इसकी भाषा को आसानी से पढ़ पा रहे हैं, कुछ हद तक इसकी हिंदी को भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पोएट्री में ऐसा नहीं होता, उसकी भाषा थोड़ी टफ होती है, जिसको पढ़ने में और समझने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो प्रोज की लैंग्वेज सिंपल होती है, लेकिन एक ग्रामेटिकल उसमें वो लिखी हुई होती है। अब आते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर है टॉम सायर। टॉम सायर जो लिखा है मार्क्स ट्वेन ने, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मार्क्स ट्वेन के बारे में देना चाहूँगी बहुत छोटे में। ये जो मार्क्स ट्वेन थे, ये जो थे, ये इनका रियल नाम नहीं था मार्क ट्वेन, इनका रियल नाम जो था वो था सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, ये इनका रियल नाम था। और ये जो थे मार्क ट्विन के नाम से अपनी जो भी क्रिएशन होती थी उसको लिखते थे, जो भी ये लिखते थे उसके नीचे जो अपना नाम लिखते थे मार्क ट्विन लिखते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि एक नदी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक नदी के तट पर जहाँ पर इन्होंने एजुकेशन वगैरह ली, जहाँ इन्होंने अपना जीवन बिताया, वहाँ के जो दृश्य देखे और उस नदी के बारे में जो वाक्यांश कहा गया था उसी से प्रेरित होकर इन्होंने उस वाक्यांश से प्रेरित होकर अपना नाम लिखा मार्क ट्विन। इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है कि दो इंच या दो फीट, मतलब जैसे हमारी एक नापने की यूनिट होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर जो होता है इसकी एक नापने की यूनिट होती है, उससे रिलेटेड है कि दो इंच या दो जो भी होता है कि गहरा और गहरा, दो गुना और गहना, ये इसका मीनिंग होता है।
अब देखिए, जो मार्क ट्वेन थे ये एक अमेरिकन राइटर थे। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई अपनी दो रचनाओं से कमाई, एक तो एडवेंचर ऑफ टॉम सायर और एक है एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन। इनसे इन्होंने ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई। इन्होंने जो अपनी जो राइटिंग की थी वो लोक कथाओं में भी की थी, मतलब जो लोगों की कथाएं थी, मतलब जो ठेठ भाषा में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, जो बहुत ही हास्यपर तरीके से लिखा था, हंसाने वाले तरीके से लिखा था। और इनकी जो ट्रेवल बुक थी उनको भी लोग बहुत इंटरेस्टिंग से तरीके से पढ़ते थे। और जो ये थे, इनका रियल नाम क्या था? सैमुअल लैंग है हॉर्न क्लेमेंट्स। जो ये क्लेमेंट्स थे, ये जन्म इनका हुआ था नवंबर में 23 तारीख को 1835 में, और किस जगह पर? फ्लोरिडा में। जो कहाँ पर पढ़ती थी? मिशोरी में पढ़ती थी। जब ये 4 साल के थे तभी इनके परिवार ने क्या किया था, वहाँ से फ्लोरिडा से शिफ्ट कर गए थे। कहाँ पर वे कर गए थे? हैनीबल में। वो भी कहाँ पर पढ़ता था? वो भी मिशोरी ज़िले में ही पढ़ता था। यहाँ पर क्या किया, इनको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जो कहाँ पर पढ़ता था? एक नदी थी मिसिसिपी, उसके बंदरगाह पर वो स्कूल पढ़ता था। वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन ली। और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 1862 में जो थे ये एक क्षेत्रीय जो उद्योग होते हैं उसके लिए रिपोर्टर का काम करने लगे। और रिपोर्टर का काम करने के बाद जो था इनको, मतलब ऐसा वो हुआ कि इनका लिखावट की तरफ भी ध्यान बट गया, ये लिखने लगे। इनका 1863 में पहला आर्टिकल आया जिसमें इन्होंने अपना नाम क्या था, ये जो इनका रियल नेम था, इनका रियल नेम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इनका रियल नेम था, इसकी जगह इन्होंने क्या किया, अपना नाम ये लिख दिया। अपनी पहली रचना में इन्होंने अपना नाम लिखा, किससे प्रेरित होकर? एक नदी के नाम से प्रेरित होकर, जिसका मतलब होता है 2 इंच या 2 फिट और गहराई। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी बच्चों, जो आपने सुनी भी होगी, कि हमारी ज़िंदगी में 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो वो जब हम जन्म लेते हैं, और दूसरा दिन वो इम्पोर्टेंट होता है जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो इनके राइटिंग करियर का जो सबसे अच्छा टाइम रहा था वो था इनका 1870 से लेके 1880 तक का जो समय था इनका, बहुत अच्छा इनके लिए रहा था। और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रिएशंस उस समय में की थी। और इनको जो था एक बहुत हास्यप्रद लेखक के रूप में, क्योंकि इन्होंने हंसाने वाली से, मतलब हंसाने वाली कैसे, इन्होंने बिल्कुल जनसाधारण की जो भाषा थी उस टाइम पे, खड़ी बोली जिसे बोल सकते हैं, उसमें अपनी रचनाएँ लिखी थी। और उसी के कारण जो इन्होंने हास्यप्रद तरीके से अपनी जो रचनाएं की थी उनके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया था। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी बात थी अगर जाने तो, सबसे अच्छी जो इनकी रेपुटेशन बनी हुई थी लोगों की नज़रों में, वो इनकी वास्तविकता, जो वास्तविक तरीके से जो ये लिखते थे, जो वर्णन करते थे, जो ठेठ भाषा को ये यूज करते थे, जनसाधारण की जो भाषा होती थी, और वो भाषा कहाँ की, विशेष उस नदी की जिसके किनारे पर ये बैठते थे जहाँ से ये प्रेरित थे। कौन सी थी वो नदी? मिसिसिपी। और वहाँ की जो घाटियाँ थी, वहाँ का जो इन्होंने वर्णन किया है वो सब इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये जो थे 19वीं शताब्दी के अमेरिकन लाइफ का इन्होंने वर्णन किया है अपने उसमें। और इनका जो था, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इनको एक तो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है 1907 में, और एक इन्हें और भी बहुत सारे सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 21 अप्रैल को 1910 में। ये तो थी इनके बारे में। अब आते हैं लेसन के पर। अब देखिए, इस लेसन में थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ। इसमें जो कहानी है एक छोटे बच्चे टॉम की है, जिसके माता पिता मर जाते हैं उसके बचपन में। फिर उसकी जो मौसी होती है वो उसका पालन पोषण करती है, मौसी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाती है। किस लिए? इसलिए ताकि टॉम बिगड़े नहीं। अगर मतलब वो उसके साथ नर्म रहेगी, उसकी गलतियों का अनदेखा करेगी तो शायद वो बिगड़ सकता है, इसलिए उसके साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाती है। तो एक दिन टॉम जो है चोरी से जैम खाता है, उसकी चोरी के उसमें उसकी जो मौसी होती है उसे सजा दे देती है। किस लिए? किस चीज़ की? कि वो पूरे दिन, जिस दिन छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन उसे दीवार पर सफ़ेदी करनी होगी। तो टॉम का बहुत मन था कि भाई छुट्टी का दिन मैं इंजॉय करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। और टॉम बहुत शरारती भी था और चालाक भी था, तो वो उस सज़ा को भी एक खेल बताकर अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना लेता है और उस सज़ा से अपने को बचा लेता है। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, टॉम किसी कारण से बीमार पड़ जाता है, और उसकी मौसी उसके लिए जो दवा लेके आती है वो बहुत
कड़वी होती है और इस बात से वो बहुत परेशान होता है। कभी कभी वो उसे कहीं गिरा देता था मौसी की नज़र बचते ही, कभी कभी वो उसको जो है इधर उधर डाल देता था। तो एक दिन उसने क्या किया, वो दवाई अपने एक बिल्ली को पिला दी, और जब उसको पिलाई तो बिल्ली कूदती फिरी सारे घर में तोड़ फोड़ मचाती हुई। फिर टॉम जो है हंसने लगा और मौसी समझ गई कि क्या हुआ होगा, और फिर वो समझ जाती है कि भाई जब दवाई इतनी ख़राब है, एक बिल्ली पे इतना बुरा इसका रिजल्ट हुआ है, तो टॉम के लिए भी बहुत बेकार दवाई है। तो वो उसको उससे लेने से मना कर देती है। यानी कि सारी जो कहानी है इसमें टॉम को लेकर है, उसकी शरारतों के बारे में है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टॉम, नो आंसर। टॉम, किसी ने आवाज़ लगाई। यहाँ पर देखिए आप इन्वर्टेड कॉमास देख रहे होंगे। जब ऐसे कोई बात लिखी रहती है तो उसका मीनिंग होता है कि वो बात कोई किसी और की है, हम उसको ऐसा कैसे ही बोल रहे हैं। नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। जब आवाज़ लगाई गई टॉम तो कोई जवाब नहीं आता है, फिर से आवाज़ लगाई जाती है, फिर से कोई जवाब नहीं आता है। अब क्या होता है कि वेयर कैन ही बी, कि वेयर कैन बी ही, वेयर कहाँ, बी होना, और कैन सकता, ही मीन्स वह कहाँ हो सकता है, बी मीन्स होना होता है, वह कहाँ हो सकता है। आंटी पॉली आस्क्ड हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सॉरी, आंटी पॉली ने पूछा, आस्क मीन्स पूछा, हर सेल्फ मीन्स अपने आप से। आंटी पॉली ने अपने आप से पूछा कि वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी इन समवेयर, ही मस्ट बी, उसे होना चाहिए, बी मीन्स होना, और मस्ट बी चाहिए, जब कोई चीज़ अनिवार्यता चाहिए, जब अनिवार्यता का भाव हो। शुड भी होता है चाहिए के लिए, और टू भी होता है, लेकिन मस्ट यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मस्ट क्या है, मतलब जरूर होना चाहिए, उसे जरूर होना चाहिए। समवेयर कहीं, समवेयर हियर, हियर मतलब यहाँ यहीं, और समवेयर मीन्स कहीं, यहीं कहीं, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, उसे जरूर ही यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई, वेंट मीन्स गई, टू द डोर दरवाजे के पास, लुक्ड देखा, आउट बाहर, इन टू द गार्डन बागीचे में, इन टू मीन्स में बागीचे में, एंड देन और तब, शाउटेड चिल्लाई, अगेन दोबारा से, टॉम टॉम, दोबारा से आवाज़ लगा रही चिल्ला चिल्ला के, मतलब आवाज़ को अब बढ़ा दिया। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं आया आवाज़ लगाने के बाद। द ओल्ड लेडी स्टोर दियर थॉटफुली, जो ओल्ड लेडी थी, जो बूढ़ी औरत थी बेचारी, मतलब उसकी मौसी, स्टोर क्या होती है, खड़ी हो जाती है, दियर वहीं पर, थॉटफुली विचार मग्न, या सोचते हुए, सोचने लगती है, गंभीर हो जाती है कि भाई कहाँ गया होगा, ऐसा कहाँ चला गया, सोचने लगती है। सडनली अचानक से क्या होता है, सी हर्ड, उसे सुनाई देता है, सुनाई देना हियर की सेकेंड फॉर्म है, सुनाई दी उसे, उसे सुनाई दी अ साउंड, एक आवाज़, बिहाइंड पीछे, हर अपने, अचानक से उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। शी टर्न्ड, वो मुड़ी, राउंड पीछे, क्विकली एकदम से, वो एकदम से गोल घूम गई, पीछे मुड़ गई, जल्दी से, मतलब एकदम से या जल्दी से, वो एकदम से घूम गई, गोल घूम गई, मतलब जैसे आदमी ऐसे सीधा खड़ा है और उसे पीछे देखना है तो वो क्या करेगा, इधर से एकदम गोल घूम जाएगा और पीछे देखेगा, गोल घूम गई एकदम से वो पीछे को। देयर वॉज टॉम, यहाँ पर, वहाँ पर कौन था, वहाँ टॉम था, वॉज मीन्स था, हाँ टॉम, नियर पास में, द कबर्ड यानी कि किसके, अलमारी के डोर दरवाजे के, वहाँ पर अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था, या अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वॉज जैम, क्या था, जैम था, जब किसी जगह पर कोई चीज़ पाई जाती है तो वहाँ पर हम देयर लगा देते हैं, मतलब मुँह है और मुँह के ऊपर कोई चीज़ है, तो जब किसी स्थान पर कुछ पाया जाता है हमें उसमें क्या लगाना पड़ता है, देयर लगाना पड़ता है, और देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता है वहाँ पे, बस केवल वो लगाना होता है हमें इंग्लिश में। देयर वॉज जैम, कि जैम था, ऑल अराउंड यानी ऑल राउंड, चारों ओर, ऑल मीन्स चारों, राउंड में, ऑल मीन्स सारे में, राउंड मीन्स चारों, सारे में चारों ओर उसके क्या था, जैम लगा हुआ था, ऑल राउंड यानी कि सारे में, ऑल राउंड चारों ओर, हिज माउथ उसके मुंह के चारों ओर क्या था, जैम लगा हुआ था, जैम था। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉट हैव यू बीन डूइंग, वॉट क्या, हैव यू बीन, हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हैव के साथ बीन और फिर वर्ब में आई एन जी, यानी कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि तुम क्या कर रहे हो, समय यहाँ पर नहीं दिया गया है।
आंटी पोली आस्क्ड, आंटी पोली ने पूछा एंग्रीली, गुस्से से, आंटी पोली ने गुस्से से पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने, व्हेन जब टॉम ने डिड नॉट आंसर, उत्तर नहीं दिया, सी वैन टोन, सी वह वैन टोन जारी रखती है, क्या जारी रखती है, पूछना जारी रखती है, अपनी बात को जारी रखती है, वैन टोन जारी जारी रखना, कंटिन्यू या वैन टोन या कीप ऑन। हाँ, यू हैव, यहाँ पर हैव की शॉर्ट फॉर्म है ना, यू हैव, तुमने, यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम अगेन, यू हैव बीन स्टेलिंग, तुमने चुरा, तुम चुरा रहे हो, तुम चुरा रहे हो द जैम, जैम को दोबारा से, अगेन मीन्स दोबारा से, तुम दोबारा से जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे मत कहना या मुझसे मत कहना दैट कि यू हैवंट, कि तुमने नहीं चुराया, यहाँ पर हमने बाद की बात छोड़ दी, जब दोनों में बात एक जैसी होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि ये वाली बात इसके भी पीछे है, कि ये मत कहना कि तुमने दोबारा से जैम नहीं चुराया, यानी कि हैवंट के बाद यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर आना था स्टेलिंग द जैम अगेन, कि तुमने दोबारा से जैम चुराया है, ऐसा मत कहना कि तुमने दोबारा से जैम नहीं चुराया, ऐसा मत कहना। हैवंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड, हैवंट, देखिए क्या नहीं, क्या नहीं, और जब हैव है तो आ है, ई है, ए है, चुकी हूँ, क्या नहीं चुकी हूँ, आई टोल्ड, या लिया है या दिया है या किया है, आई हैव, क्या, आई टोल्ड, कि मैंने बता चुकी हूँ या मैं बताया है, मैंने बताया है, क्या मैंने नहीं बताया है, टोल्ड मीन्स बताना, बताया और है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं क्या मैं तुम्हें नहीं बता चुकी हूँ, क्या मैं तुम्हें यह बता नहीं चुकी हूँ, यू तुम्हें 100 times, जब 100 में और टाइम्स लग जाता है और 100 से पहले आ लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है सैकड़ों बार, क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार नहीं बता चुकी हूँ, टू टू कीप अवे, क्या कि कीप मीन्स रहना, रहने के लिए, जब किसी वर्ब से पहले टू लगता है तो उसका मीनिंग, उसकी हिंदी में नान ही नहीं लगता है, क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कह चुकी हूँ, रहने के लिए, अवे दूर फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से, क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कह चुकी हूँ, वेयर, वेयर इज, यानी कि इज की शॉर्ट फॉर्म है, वेयर्स, वेयर्स माई स्टिक, वेयर इज माई स्टिक, वेयर इज मीन्स है, कहाँ है, माई स्टिक, मेरी स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है, स्टिक मीन्स छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी डंडी कहाँ है। आंटी पोली, आंटी पोली टुक, ने उठाई, आंटी पोली ने ली हर अपनी स्टिक, छड़ी को, एंड और रेज्ड, उठाई इट, इसे हाई ऊपर, आंटी पोली ने अपनी छड़ी ली और इसे ऊपर उठाई, सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वॉज अबाउट, अबाउट टू का मीनिंग होता है वाली थी, वो वाली, वाली है या वाला है, मतलब वो तो वॉज या इज आरम के ऊपर डिपेंड करता है कि थी आएगा या है आएगा, मतलब ये जो अबाउट टू होता है इसका मीनिंग होता है वाला या वाली, वो वाली वॉज थी, स्ट्राइक यानी कि मारने, वो मारने वाली थी टॉम, टॉम को हार्ड, जोर से, वो टॉम को जोर से मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी आवाज़ लगाई उसने, आंटी लुक, देखो बिहाइंड, पीछे, यू अपने, आंटी अपने पीछे देखो, शाउटेड, चिल्लाया टॉम, टॉम, टॉम चिल्लाया जोर से एकदम से, आंटी अपने पीछे देखो, एकदम से ऐसे कहा उसने, तो क्या होता है, आंटी पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंटी पोली ने देखा, बिहाइंड पीछे, हर अपने, आंटी पोली ने अपने पीछे देखा, देयर वॉज टॉम चांस, अब क्या, दिस वॉज टॉम चांस, दिस मतलब ये जो आंटी ने एकदम से पीछे देखा यही क्या था, वॉज था, यही था टॉम, टॉम के लिए या टॉम का, चांस मीन्स मौका, यही टॉम के लिए मौका था कि जैसे ही आंटी पीछे देख ली एकदम से भाग जाओ, यही टॉम के लिए बचने का मौका था, तो क्या हुआ, ही रश्ड, वो दौड़ा आउट, बाहर, ऑफ द हाउस, घर के, वो घर के बाहर दौड़ पड़ा, ही क्लाइम्ब, वो क्या करता है, चढ़ जाता है ओवर द फेंस, दीवार के ऊपर से चढ़कर, वो एकदम से क्या करता है, चढ़ जाता है और कूद जाता है ओवर, ऊपर से द फेंस, दीवार के, वो दीवार के ऊपर से चढ़कर कूद जाता है, वो कूद जाता है एकदम से दीवार के ऊपर से, सून जल्दी ही वॉज फार अवे, वो क्या होता है, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था,
फार अवे, दूर, वो दूर था, यानी कि वो दूर भाग जाता है. सेंस क्या है यहाँ पर? जल्दी ही वो दूर भाग जाता है. क्लाइंब ओवर का यहाँ पर मीनिंग क्या है? ऊपर से कूदना, एकदम से वो क्या करता है. जब देखो क्लाइंब का मीनिंग अगर हम देखें तो होता है चढ़ना, लेकिन जब इसके ऊपर आ जाता है ना ओवर, जब किसी वर्ब के साथ कोई प्री पोजिशन जुड़ जाती है तो वो उसके मीनिंग को चेंज कर देती है. क्लाइंब मीन्स वैसे चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कूदना. वो कूद गया दीवार पे से, ठीक है, वो दीवार पे से कूद गया और जल्दी ही क्या हुआ, वो दूर हो गया, यानी कि दूर निकल गया, भाग गया दूर. अब क्या होता है, आंटीपोली वॉज अंग्री. आंटीपोली क्या थी? एंग्री थी, गुस्सा थी. बट लेकिन सी हैड टू लाफ, लेकिन क्या हुआ, उन्हें हैड टू पड़ा. जब हैड या हैज या इनके बाद टू लग जाता है तो उसका मीनिंग पड़ता है, पड़ता था या पड़ता है, पड़ा या पड़ी, है ना. उन्हें पड़ा, लाफ मीन्स हंसना, तो उन्हें हंसना पड़ा. लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ा? हंसना पड़ा. आंटी पोली गुस्से में थे लेकिन फिर भी उन्हें हंसना पड़ा. ही इज अ बैड बॉय, फिर से इज की शॉर्ट फॉर्म दी है कि वह है अ बैड बॉय, एक बुरा लड़का. देखो फिर से किसी की बात को ऐसा का ऐसा दोहराया गया है कि वह एक बुरा लड़का है. शी सैड, उन्होंने कहा, टू हर सेल्फ, अपने आप से, उन्होंने अपने आप से कहा कि यह एक बुरा लड़का है. बट लेकिन क्या है, आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करती हूँ. ही इज माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय, कि जो है ये वह है, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, माई मेरी, पुअर मीन्स बेचारी. यहाँ पर पुअर का मीनिंग गरीब नहीं, बेचारी है. पुअर के देखो बेचारी क्यों है, बेचारी या बेचारा ही मान लीजिए. बे मीन्स बिना, चारा मीन्स चारे के. चारा क्या होता है, मतलब जिसके पास चारा ना हो, खाना ना हो. जिसके पास खाना नहीं होगा वो कौन होगा? गरीब होगा. बहुत गहरा मीनिंग है इसका, कि ये जो है ये है मेरी बेचारी, डैड मरी हुई, सिस्टर सिस्टर का बॉय लड़का, यह है मेरी बेचारी मरी हुई बहन का बेटा है या लड़का है. एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे ज़रूर करना चाहिए, मुझे ज़रूर करनी चाहिए, है ना. यहाँ पर चाहिए, मस्ट चाहिए, मतलब ज़रूर चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए लुक आफ्टर, देखभाल करना. लुक मीन्स देखो, देखना होता है, लेकिन इसके साथ आफ्टर जुड़ते ही इसका मीनिंग भी चेंज हो गया. क्या हो गया? देखभाल. मुझे ज़रूर करनी चाहिए देखभाल हिम, इस उसकी, मुझे इस उसकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम. आई डोंट लाइक, डोंट मतलब नहीं करना, है ना. आई डोंट, मुझे नहीं है, लाइक पसंद, या मैं नहीं करती हूँ पसंद, मैं पसंद नहीं करती हूँ. टू हिट मारना, मैं मारना पसंद नहीं करती हूँ. प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डू नॉट आ रहा है. मैं पसंद नहीं करती हूँ हिट करना उसे, मारना उसे, है ना. हिम मीन्स उसे. बट लेकिन आई हैव टू, देखो फिर से, यानी कि क्या, हैव टू के बाद आपको ये ही बात लिखनी है. कौन सी? ये हिट, आई हैव टू हिट हिम, ये लिखनी है. जब कोई बात दोनों में सेम आनी होती है तो हम पूरी उस वाले दूसरे सेंटेंस में पूरी ना लिख के आधी को, जहाँ तक वर्ब है वहाँ तक लिख देते हैं ना. तो मुझे लेकिन क्या है, आई हैव टू, मुझे करना होता है, मुझे पिटाई करनी पड़ती है, मुझे उसे पीटना पड़ता है. हिट यहाँ पर आना था लेकिन आया नहीं है. इफ़ आई डोंट पनिश हिम, इफ़ यदि, इफ़ मीन्स यदि, आई डोंट मैं नहीं करती हूँ पनिश दंडित, या मैं नहीं देती हूँ सजा हिम उसे, मैं उसे सजा नहीं देती हूँ, तो क्या होगा, ही विल या ही शैल ग्रो अप लेजी एंड वीकड. तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रो अप बन जाएगा. ग्रो का मीनिंग बढ़ना होता है, लेकिन इसके साथ अप जुड़ गया है तो इसका मीनिंग हो जाएगा बनना. वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आलसी, लेजी मीन्स आलसी, एंड वीकड यानी कि दुष्ट यानी बुरा. और वो बुरा बन जाएगा, अगर मैं उसे सजा नहीं देती हूँ तो वो आलसी और बुरा बन जाएगा. यस यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे मस्ट अवश्य चाहिए, बी होना स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, मुझे अवश्य ही कठोर होना चाहिए. आंटीपोली, आंटीपोली साइड यानी कि आह भरती, गहरी सांस लेती है, गहरी सांस लेती है. आयल हैव टू पानिश हिम फॉर स्टाइलिंग द जैम. आयल मैं करूँगी, आयल कर मतलब मुझे करना है. आयल हैव टू, देखो फिर से हैव टू लगा है ना, मजबूरी है, मुझे करना होगा. और क्योंकि गा भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सेल का भी, वो विल सेल का भी सेंस आ रहा है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है हमें, तो मुझे करना होगा पनिश दंडित, या मुझे देनी होगी सजा
हिम उसे फॉर स्टेलिंग चुराने के लिए द जैम जैम को चुराने की सजा देनी होगी, मुझे उसे जैम चुराने की सजा देनी होगी। बट लेकिन हाउ कैसे, लेकिन कैसे दूँ मैं उसे सजा। आई नो मैं जानती हूँ टुमोरो आने वाला जो कल है इज वो है सैटरडे शनिवार, आने वाला कल शनिवार है। एंड और देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और देयर इज नो स्कूल कि नहीं होता है, है ना, नहीं होता है। देयर इज नो स्कूल बिल्कुल नहीं होता है, जब नो आता है तो कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, नोट होता है तो कुछ संभावना होती है उसके होने की, लेकिन नो से तो बिल्कुल है ही नहीं। कि बिल्कुल नहीं होता है स्कूल की, कोई स्कूल की क्लास नहीं होती है, बिल्कुल यहाँ से स्कूल से मतलब होता है क्लास होना, कि स्कूल की कोई क्लास नहीं होती है ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, शनिवार को कोई स्कूल की क्लास नहीं होती है, शनिवार को स्कूल नहीं होता है, स्कूल नहीं खुलता है। द बॉयज लड़के हैव अ हॉलीडे, लड़के क्या होते हैं, लड़कों की होती है या लड़के रखते हैं, देखो हैव मीन्स रखना या पास होना, या मतलब हमें सेंस समझना है कि पास होने का हमें क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि लड़कों की होती है, लड़कों की यानी कि लड़कों के पास है, लड़कों की होती है क्या एक छुट्टी, लड़कों की एक छुट्टी होती है यानी कि लड़कों के पास एक छुट्टी होती है। बट लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं क्या करूँगी, आयल मैं करूँगी या मैं बनाऊँगी, मेक टॉम मैं टॉम से कराऊँगी, मेक मीन्स जब हम ये मेक वर्ड लगा देते हैं, जब हम किसी से कोई काम कराते जब खुद नहीं करते, आयल मेक मैं कराऊँगी, मैं कराऊँगी, यहाँ पर कराना कराने का मीनिंग है मेक से, यानी कि मैं बनाऊँगी, मैं कराऊँगी टॉम से वर्क कार्य, मैं टॉम से कार्य कराऊँगी। और दैट विल पनिश हिम, और यही वही सॉरी वही विल होगी पनिश सजा हिम उसकी, वही उसकी सजा होगी। हाँ द नेक्स्ट डे, अगला जो दिन था, नेक्स्ट मीन्स अगला दिन, वॉज था सैटरडे शनिवार, द अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल वॉज मीन्स था, शट मीन्स बंद, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, ऑल द बॉयज सभी लड़के कहाँ पर, इन द विलेज गांव में, वर फ्री स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, घूम रहे थे मज़े से, मतलब कोई स्कूल की वो नहीं थी उनके ऊपर बाउंडेशन की स्कूल जाना है तैयार होना है, पूरे दिन के लिए फ्री थे, कुछ भी करे हुए है ना। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज ये था, जब दिन की मौसम की समय की बात हो तो हम इट का प्रयोग उसमें ज़रूर करते हैं, यहाँ पर दिन की बात हो रही है। इट वॉज यह था अ ब्यूटिफुल, एक सुंदर, डे मीन्स दिन, यह एक सुंदर दिन था, यहाँ से सुंदर से मतलब सुहाना, प्लेजेंट डे था, बहुत सुंदर दिन था, मौसम मस्त था, है ना। द सन वॉज शाइनिंग, जो सन था, जो सूरज था, वो था, वॉज मीन्स था, शाइनिंग मीन्स चमक, चमक रहा है ना, वॉज जब वॉज के साथ वर्ब में आई एन जी लग रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पर, कि दिन सूरज जो था वो चमक रहा था। एंड द बर्ड्स, और जो पक्षी थे, वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि पक्षी गा रहे थे। द ट्रीज, और जो पेड़ थे, एंड फ्लावर्स, और जो फूल थे, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, दिखते थे, है ना, दिखे फूल और पेड़ दिखे या दिखते थे, सो फ्रेश, इतने ज़्यादा, देखो सो से यहाँ पर मीनिंग है इतने या बहुत, दो मीनिंग इसके यहाँ पर निकल रहे हैं, आगे की लाइन से वो पता चलेगा। सो फ्रेश एंड लवली, तो यहाँ पर सो का मीनिंग बहुत है, इतने भी नहीं है, बहुत है आगे, क्योंकि और कुछ इन्होंने ऐड नहीं किया है, अगर कुछ और ऐड करते तो इतना होता कि पेड़ और जो फूल थे वे बहुत ज़्यादा सुंदर, ताज़ा, तरोताज़ा, एंड लवली, सुंदर, लवली से यहाँ पे मीनिंग है सुंदर या प्यारे, प्यारे तो सुंदर होते हैं, हाँ, तो पेड़ और फूल बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारे, बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और प्यारे या सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफकोर्स, वास्तव में, टॉम भी वास्तव में वॉन्टेड, चाहता था, टू गो जाना, फॉर स्विमिंग, तैराकी के लिए, स्विमिंग होती है तैराकी, स्विम होता है तैरना, स्विमिंग होती है तैराकी। टॉम भी तैराकी के लिए जाना चाहता था या तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉय वर गोइंग, वो जो दूसरे, ऑल मीन्स सभी, द अदर बॉय दूसरे लड़के, वर गोइंग जा रहे थे, फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, दूसरे अन्य लड़के जा रहे थे। आगे देखते हैं, टॉम सैडली, टॉम क्या होता है, दुखपूर्ण,
आउट ऑफ द हाउस क्या क्या होता है, घर के बाहर आता है। टॉम केम, टॉम आता है सैडली, दुख से भरा हुआ है, दुखपूर्ण, दुखी होकर। दुखी होकर क्या होता है, आता है आउट ऑफ, बाहर, द हाउस घर के। टॉम दुखी होकर घर के बाहर आता है, क्या होता है, और जब वो बाहर आता है, इन वन हैंड, एक हाथ में ही हेल्ड, वो पकड़े हुए था, और लॉन्ग ब्रश, एक लंबा सा ब्रश, एक हाथ में वो लंबा सा ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर, और दूसरे में क्या था, ही कैरिड, वो लेकर आ रहा था, वो लिए हुए था, वो लिए हुए था, कैरिड मीन्स लिए हुए था, अ बकेट, एक बाल्टी, विच, जो कि वो फुल भरी हुई थी ऑफ, से, वाइट वॉश, यानी कि सफ़ेदी, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी, या जो सफ़ेदी की भरी थी, ठीक है। उसके दूसरे हाथ में एक बकेट थी, या लिए हुए था वो दूसरे हाथ में बकेट को, जो क्या थी, वो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट, उसकी जो आंटी थी, उन्होंने क्या किया, वो मेकिंग हिम वाइट वॉश, उन्होंने कराई, वो करा रही थी, वो जा रहा है ना, करा रही थी हिम, उससे वाइट वॉश, सफ़ेदी। द फैंस, फैंस का मीनिंग होता है दीवार, उसकी आंटी उससे दीवार पर सफ़ेदी करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फैंस, टॉम ने देखा सैडली, दुख से, परेशान होकर, दुखी होकर, एट द फैंस, दीवार पर। टॉम ने दुखी होकर दीवार की तरफ देखा, दीवार को देखा। अब क्या कह रहा है, देख के देखो, टॉम की बात सुनना, हाउ हाई, कितनी ऊंची, इट इज, यह है, यह कितनी ऊंची है, टॉम कह रहा है ये बात। हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी, हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी, इट इज, यह है, मतलब आप लास्ट में आए इस मार्क को देखिए, इसका मीनिंग होता है आश्चर्य में जब हम कोई बात कहते, हे भगवान, ये कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है। और ही थॉट, उसने सोचा, ये बात वो सोच रहा है कि भाई दीवार को देखकर क्या सोच रहा है कि कितनी लंबी है और कितनी ऊंची है। इंडीड, वास्तव में, इंडीड का मीनिंग क्या होता है, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फैंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। देखिए, उसकी जो लंबाई थी वास्तव में दीवार की, वो क्या थी, 9 feet थी, 9 feet की उसकी हाइट थी, सॉरी, ऊंचाई जो थी उसकी वो 9 feet की थी, और जो उसकी लेंथ थी, जो लंबाई थी उसकी, लेंथ मीन्स लंबाई थी, वो क्या थी, 30 yards थी, उसकी लंबाई 30 yards थी, और जो उसकी ऊंचाई थी वो 9 feet थी। यानी कि जो, मतलब यार्ड मीन्स होती है गज, यार्ड मीन्स गज। अच्छा, आगे चलते हैं कि वास्तव में जो दीवार की लंबाई थी वो तो थी फीट में, 9 feet में, और जो उसकी चौड़ाई थी वो किस में थी, सॉरी, जो ऊंचाई थी दीवार की वो 9 feet में थी, और जो उसकी लंबाई थी वो यार्ड में थी, गज में थी, कितने, 30 गज। अच्छा, अगली लाइन देखते हैं। टॉम पुट, टॉम ने डाला हिज ब्रश, अपने ब्रश को, यहाँ पर पुट का मीनिंग डाला है या रखा, इन टू मे द वाइट वॉश, सफ़ेदी, वो टॉम ने अपने ब्रश को सफ़ेदी में डाला या सफ़ेदी में रखा। ही ड्रू, उसने खींचा, ड्रू मीन्स खींचा, ड्रो की सेकंड फॉर्म है, उसने खींचा इट, इसे स्लोली, धीरे से, उसने धीरे से इसे खींचा, एक्रोस यानी कि पर, एक्रोस मीन्स पर, या उस पर फिराया, है ना, द फैंस, दीवार पर, उसने इसे दीवार पर धीरे से फिराया। इट मेड, इसने बनाया, इट मेड अ वेरी स्मॉल, इसने बनाया एक बहुत छोटा, वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, वाइट मार्क यानी कि सफ़ेद निशान, इसने एक बहुत छोटा सा सफ़ेद मार्क बनाया, सफ़ेद निशान बनाया। टॉम ट्राइड, टॉम ने कोशिश की, अगेन दोबारा से, टॉम ने ट्राइड किया, कोशिश की दोबारा से, टॉम ने दोबारा से कोशिश की। अंदर, दूसरा, वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा भी क्या था, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वाइट सफ़ेद मार्क मीन्स निशान, कि दूसरा भी बहुत छोटा निशान बना सफ़ेद रंग का, दूसरा इससे भी छोटा यानी कि बहुत छोटा सफ़ेद मार्क बना, यानी कि इतना लेजी था वो, इतना ज़्यादा काम से बचने वाला था कि उसने जब सफ़ेदी में ब्रश डाला और जब घुमाया उसे दीवार पे, दीवार पर रखा उसको धीरे से, तो उससे बहुत छोटा निशान बना, और जब दोबारा से उसने कोशिश की तो उससे क्या हुआ, उससे और भी छोटा निशान बना। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया नीचे, एंड साइड, और आह भरी, हैवीली, बहुत ज़ोर से, मतलब गहरी आह भरी, उसने नीचे बैठ गया और गहरी आह भरी। यहीं तक इसको मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप इसे देख के अपना वर्क करेंगे जो मैं अभी आपको दूँगी। थैंक यू, टेक केयर।